और ये स्पेयर है, ये एक्स का हैंडल है और एक लव है। सो हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग अच्छे हैं। सो आप जैसा देख सकते हैं कि आज आई एम एट द भोपाल स्टेट म्यूजियम और आज अपन यहाँ का टूर करेंगे, देखेंगे कैसा है। और काफ़ी दिनों से आई वांटेड टू मेक अ व्लॉग, ट्रैवल व्लॉग, क्योंकि ज़्यादा जा नहीं पा रहा था। तो ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे लाइक भोपाल में अगर आप हैं तो आप आ सकते हैं। ये देख सकते हैं आप पीछे ही है ये जैसा लिखा हुआ। और अब व्लॉग स्टार्ट करेंगे और आज अपन यहाँ घूमेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। बहुत दिनों से वो एक ही पैटर्न में चीज़ें चल रही थी, तो मैं सोचा कुछ डिफरेंट करता हूँ। तो बाकी आगे का व्लॉग बने रहिए और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो गाइस, लाइक यू कैन सी, दिस इज़ द मेन एरिया विच वी आर गोइंग टू विजिट एंड दैट इज़ प्लेस वी आर गोइंग टू गो। सो ये बहुत ही अच्छा एरिया है, जैसे आप देख सकते हैं काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, पार्किंग की भी फैसिलिटी है यहाँ पे अवेलेबल मैंने। और ये ट्राइबल म्यूजियम है विच आई विल बी कवरिंग नेक्स्ट सम अदर टाइम। काफ़ी अच्छी जगह है, आई हैव बीन देयर बट आई हैवंट मेड अ व्लॉग ऑफ द सेम। सो गाइज, बिफोर वी गो फर्दर, वट वी नीड टू डू, वी नीड टू टेक अ टिकट दैट द कॉस्ट अराउंड 20 rupees एंड एज यू कैन सी द फैसिलिटी हुई है। सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप लोगों को फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है, फॉर दैट यू विल हैव टू पे एडिशनल अमाउंट। सो गाइज, दिस व्लॉग विल बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स सिंस इट्स अ लॉन्ग व्लॉग। सो आई विल अपलोड वन व्लॉग नाउ एंड द अदर वन इन द नेक्स्ट पार्ट। सो गाइज, दिस इज द टिकट एंड दिस इज द काउंटर नियर द टिकट काउंटर। सो लेट स्टार्ट विथ द विजिट। सो गाइज, एज यू कैन सी, दिस इज द एंट्रेंस। और बेसिकली यहाँ मैं इसलिए आया क्योंकि मेरे को स्कल्पचर्स, हिस्ट्री बहुत पसंद है। और अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो दिस इज़ वन प्लेस यू डेफिनेटली शुड बी एट। विसिनिटी बहुत ही अच्छी है, पूरी हिस्टोरिकल स्कल्पचर्स से सराउंडेड है ये पूरी जगह। जैसे आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों से आई हैं ये स्कल्पचर्स एंड यू वोंट बिलीव दैट दी स्कल्पचर्स आर फ्रॉम द सेकेंड AD एंड ऑल्सो फ्रॉम 3rd, 4th, 5th इवन 10th AD। सो दैट इज़ क्वाइट कूल। ये देखिए, और ये आप जैसे देख रहे थे काफ़ी अच्छी थी। सो आई होप यू एंजॉय द व्लॉग एंड स्टे ट्यून्ड टू इट, शुरू से एंड तक देखिएगा कि आपको लाइक काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। जैसे आप देख सकते हैं ये 11th century AD का है, सोचिए इट इज़ सो ओल्ड। और अगर आप एक हिस्ट्री नर्ड है तो लाइक दिस इज़ वन प्लेस यू नीड टू बी। और मैं वही सोचता हूँ, आज की बिल्डिंग्स को देखते हैं तो टूट फूट जाती हैं और पहले का जो स्कल्पचर, जो कंस्ट्रक्शन रहता था वो कितना अच्छा था। ये देखिए, ये 12th century AD की है और ये बुद्ध की स्टैचू आप देख सकते हैं, इट्स ऑफ द 2nd century AD। सोचिए कितनी पुरानी है, लेकिन जो आर्किटेक्चर की क्वालिटी है वो देखिए आप। फिर से ये एक स्टैचू और देखिए, ये भी बुद्धा की स्टैचू है। और सो ओवरऑल बहुत ही अमेजिंग है, लाइक ये चीज़ें अच्छी लगती है देख के। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्लोर पे सारी स्कल्पचर्स हैं, बहुत अलग अलग टाइम की हैं। और अगर आप एक हिस्ट्री लवर हैं तो म्यूजियम्स आर सच अ प्लेस वे यू कैन लाइक जस्ट एनग्रॉस योर सेल्फ, जस्ट गो विद द फ्लो और जस्ट रिलैक्स ओवर हियर, क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए दुनिया में। और यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि अपन ने एक्चुअली में बहुत कम देखा है। तो जैसा आप देख सकते हैं स्कल्पचर्स, इनकी क्वालिटी देखिए, लाइक इतनी पुरानी है। जैसा आप ये देखिए कितने सेंचुरी की, 11th to 12th century की अब, बट इसका कंस्ट्रक्शन देखिए लाइक कितना फर्म और कितना स्टर्डी है। और ये मध्य प्रदेश की वरिष्ठ प्रतिमा है, दैट इज़ द स्कल्पचर्स। तो दीज आर लेड आउट इन अ वेरी गुड मैनर ओवर हियर। तो अगर आप मध्य प्रदेश में आते हैं और भोपाल में आते हैं तो यहाँ पे यू कैन कम हियर। जैसे आप अपन आजकल की बिल्डिंग्स देखते हैं तो उनका कंस्ट्रक्शन आपको पता ही है कैसा रहता है, इतना कोई ख़ास रहता नहीं है। बट पहले इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी लोगों के पास, लेकिन उसका कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी देखिए आप, आज तक अच्छे हैं वो। लाइक कब बने होंगे अपन बस सोच ही सकते हैं लाइक। बट ये देखिए, ये इमेजेस मतलब लाइक बहुत ही, दे आर वेरी कूल। सो इफ़ यू कम एट दिस प्लेस एनी टाइम इन भोपाल, सो यू शुड गिव दिस प्लेस अ विजिट, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। और अब ये सेक्शन इज़ ऑलमोस्ट कमिंग टू एन एंड, सो अब अपन दूसरे सेक्शन पे जाते हैं। सो लेट्स गो देयर।
सो गाइज नाउ वी आर एट द प्लेस, और बेसिकली यहाँ पे सब कुछ फॉसिल्स हैं, पुराने वुड हैं यहाँ पे, और यू वोंट बिलीव, यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है फॉसिल्स जो मैं आगे इसी व्लॉग में दिखाऊंगा आपको, सो ऐसी स्टे ट्यून्ड रही है। और ये आप देख सकते हैं बहुत ही अलग अलग चीज़ें, शेल्स हैं बहुत ही पुराने हैं, जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं और जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही अलग लग रहा है, यूजली जो अपन क्या करते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट है ये। तो आगे बढ़ते हैं और ये देखिए ये वुड्स हैं, बहुत पुराने फॉसिल हैं ये, और लेट्स सी हाउ ओल्ड इट इज़, देख सकते हैं आप एग्जैक्टली 25 लाख ईयर्स अगो, इतना पुराना। एंड वी आर सो लकी एंड वी आर सो फॉर्चुनेट इनफ टू सी दीज। और ये देखिए ये भी सेम नर्मदा वैली के हैं, तो यहाँ पे काफ़ी एक अच्छा कलेक्शन है, इफ़ यू लाइक विंटेज स्टफ़ और इफ़ यू लाइक स्टफ़ विच आर ओल्ड लाइक दीज, और आप उनको चेरिश करते हैं, तो दिस इज़ डेफिनेटली अ मस्ट प्लेस टू कम एंड दिस इज़ वॉट आई फील। चलिए आगे देखते हैं वॉट वी हैव हियर। सो वी हैव बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो वुड, अलग अलग वुड हैं, फॉसिल्स हैं बहुत सारे यहाँ जो इन्हें कलेक्ट करके रखे हुए हैं। और ये स्टोन है, कितना पुराना है देख सकते हैं आप, 25 लाख ईयर्स पुराना है। सो देन अगेन ये देखिए, बाप रे, मतलब अपन वी कैन जस्ट थिंक एक फॉसिल की लाइफ कितनी ज़्यादा रहती है, तो दैट इज़ रियली अमेजिंग। फिर से देखते हैं सर, 25 लाख ईयर्स, बाप रे, दिस इज़ क्रेजी, सीइंग सच टफ एट अ टाइम लाइक दिस। सो दिस वॉज वन थिंग विच आई वॉन्टेड टू शो यू गाइज, वॉट इज़ दिस, आई एम श्योर यू हैव गेस्ट इट, दिस इज़ द एलिफेंट ट्रंक। और ये कहाँ से है जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज़ फ्रॉम द नर्मदा वैली। अब आप सोचिए पहले जो हाथी का साइज़ था वो, बाप रे, इतना बड़ा था, अपन तो बहुत ही छोटे हैं, हाथी की सींग देखिए आप, सींग का साइज़ देखिए। तो दिस इज़ वन थिंग फॉर विच एलिफेंट्स आर किल्ड एंड आई डोंट थिंक दैट इज़ द राइट थिंग। सो ये पार्ट बेसिकली है जहाँ पे मैन क्या क्या वेपन्स यूज़ करता था पहले, अपने डिफेंस में, खाना पकड़ने के लिए, बनाने के लिए, और अपना प्रे मारने के लिए। सो दीज वर डिफरेंट वेपन्स ही यूज टू यूज़, ये अपन यहाँ पे आते हैं, स्टोन से कार्व करता था वो, और अलग अलग एक्सेस बनाता था, स्पेयर बनाता था और एरोज बनाता था। ये देख सकते हैं आप, जैसे ये क्लब्स हैं यहाँ पे, ऊपर एक स्पेयर है और ये डिफरेंट एक्सेस हैं। ये देखिए ये सबसे कूल चीज़ है, दिस इज़ द एरो, और ये अलग अलग आप उसमें लगा सकते हैं, एरो का जो एमिनेशन रहता है उसके बजाय, तो ये उस टाइम भी लोग यूज़ करते थे इतना ये सब चीज़ें। सो दैट इज़ क्वाइट अमेजिंग, और ये काफ़ी अच्छी तरह से इन्हें सजा के रखा हुआ है यहाँ पे, एंड दिस इज़ हाउ दे यूज़ टू राइट मेक ड्राइंग्स ऑन द स्टोन्स, ये बहुत अच्छे से इन्हें करके यहाँ रखा हुआ है। ये एग्जैक्टली एक स्किन टाइप का कुछ है या लेदर का टाइप का कुछ है, आई डोंट नो वॉट इट इज़ एक्चुअली इज, बट द पिक्चर ऑन दैट इज़ रियली कूल। और उस टाइम भी आप सोचिए क्या लेवल ऑफ आर्टिस्ट थे वहाँ पे, अब तो आजकल तो काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन तब इस लेवल की आर्ट बनाना दैट मीन्स अलॉट, बहुत अच्छे लेवल ऑफ क्रिएटिवनेस होगी उनमें। और ये कुछ रूल्स एंड इंस्ट्रक्शंस हैं जो आप देख सकते हैं, तो यहाँ आए अगर आप आते हैं कभी तो यू कैन स्पेंड अ होल डे, देर इज़ सो मच टू सी, और बेस्ट पार्ट, ज़्यादा भीड़ रहती नहीं है, और कोविड के टाइम में इससे अच्छी जगह मुझे नहीं लगता कोई हो सकती है। सो लेट्स गो टू द अदर सेक्शन। सो ये देखिए आप पूरी विसिनिटी देखिए कितना अच्छा है, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेक्शन। सो यहाँ पे बेसिकली है इस अलग अलग एराज की स्कल्पचर्स हैं, जैसे मुगल हो गया, राजस्थान से हो गए, और भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के स्कल्पचर्स हैं अलग अलग ट्रेडिशंस के, महाराष्ट्र मराठास के हो गए, तो दैट इज़ अ कूल थिंग। तो वो अपन देखते हैं आगे, और जैसे आप लोग बने हैं वैसे ही बने रहिए व्लॉग पे। और गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ऑल दीज स्टैचूज, ऑल दीज स्कल्पचर्स, मैन दे आर प्लेस्ड इन सच अ गुड मैनर, और अच्छे एरिया में बनी हुई है। आप आराम से आएँ यहाँ पे, टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली को भी लाएँ, उनको भी दिखाएँ अपना आर्ट, अपनी हिस्ट्री कैसी थी, और हर इंडियन को, हर इंसान को जो इस यहाँ रहता है उसको ये ज़रूर जानना चाहिए अपनी हिस्ट्री के बारे में क्या है।
जैसे आजकल लोग टाइम नहीं निकालते इतना, बट दे शुड टेक आउट टाइम एंड दे शुड नो वॉट हिस्ट्री वॉट अबाउट वॉट हिस्ट्री इज, पहले क्या हुआ था, चीज़ें कैसी थी। और सबसे बेस्ट पार्ट है, आप आर्किटेक्चर का लेवल देखिए, क्या लेवल था मतलब उस समय। आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी है तो जाके इतना होता है, लेकिन फिर भी इतना इस लेवल का आर्किटेक्चर नहीं कर पाते लोग। और इसमें देखिए आप, उनके पास मुझे नहीं लगता इतनी सारी चीज़ें होंगी, तब रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, लेकिन स्टिल दे हैव डन अ फिनोमिनल जॉब, दिस इज़ व्हाट आई फील। और मतलब एक स्टैचू देख देख के भी मेरा मन नहीं भरता, लाइक इट्स रियली कूल अमेजिंग। सो अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाता हूँ आगे के शॉट्स, आप इंजॉय करिए उसको। सो लेट्स लुक इनटू इट। द बेस्ट पार्ट इज़ गाइज, मेरे को नहीं पता ये लोगों ने कहाँ से ये सब चीज़ों का अरेंजमेंट करा होगा, बट पीपल आई थिंक डिगिंग वगैरह होती है या नए नए लोकेशंस ढूंढते हैं, तो दे माइट बी कॉन्टैक्टिंग दीज म्यूजियम इन ऑल ऑल। सो वो लोग इनको हैंड ओवर कर देते होंगे ये स्कल्पचर्स, ये सारी चीज़ें। सो देखिए आप स्कल्पचर का आप क्वालिटी देखिए, क्या मतलब बनाते थे लोग तब। और ये बहुत ही अच्छे एरिया में फैला हुआ है, जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आराम से आ सकते हैं अपन, और अच्छी जगह है। और जो इन लोगों ने बहुत अच्छा कंजर्व करके रखा है इसको, लाइक देखिए 12th century का, मतलब आज सोचिए आप कितने पहले होगा, एंड वी आर सो लकी टू एक्चुअली सी ऑल दिस। सो मैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा अच्छा हुआ आज आया और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ म्यूजियम में घूम रहा हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी पुरानी स्कल्पचर्स हैं 8th century, 10th century, 6th century की। तो आप ऐसी बने रहिए व्लॉग पे, आगे मज़ा आने वाला है। सो गाइज अब अपन आ गए हैं बेसिकली टेक्सटाइल वाले एरिया में। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की क्रॉकरी वगैरह दिखेगी ये, लेकिन एंशियंट है माइंड यू, ये बहुत पुराने हैं। जैसे कि मैंने बोला था ये एक म्यूजियम है, तो इट्स ऑब्वियस ये अभी के टाइम की नहीं है, बहुत पुरानी है। और अलग अलग जगह से दे हैव कलेक्टेड इट एंड प्लेस्ड इट। ये देखिए आर्ट गैलरी है जैसा आप देख सकते हैं, और इसको यू कैन गो थ्रू दिस इफ़ यू वॉन्ट, स्लो करके पॉज करके आप पूरा पढ़ सकते हैं। आई हैव ट्राई टू स्क्रोल द कैमरा डाउन स्लोली सो दैट यू कैन रीड इट एंड नो हिस्ट्री मोर। सो जैसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं, लाइक ये उस समय भी लोग इतना आर्टिस्टिक चीज़ें रखते थे अपने पास। ये देखिए पॉट, देखिए अलग ही है, लाइक कूल लग रहा है बहुत ज़्यादा। कलर देखिए आप तो इसका, स्पॉटेड वेसल, कूल बहुत अच्छा है। सो गोइंग फॉरवर्ड आप ये देखिए, मतलब आर्टिस्ट पहले भी थे लाइक, और आर्टिस्ट तो स्टार्टिंग से ही रहे हैं दुनिया में, तभी इतनी क्रिएटिविटी है वर्ल्ड में। और आप इस चीज़ को देखिए, लाइक ये मुझे लगता है फाउंटेन ही है, ये सारे फाउंटेन टाइप के हैं। और फिर आगे देखते हैं आगे, ये अलग अलग तरह के आर्ट गैलरी है, मतलब बेसिकली यहाँ कुछ 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 अलग अलग चीज़ें हैं जो यहाँ लोगों ने कलेक्ट करी। ये तो बेसिकली घर में अपन जो रखते हैं वो सारी चीज़ें थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये एक्चुअली में एक बोल है जो आप देख सकते हैं हाथ धोने वाला बेसिन, वॉश बेसिन बोलते हैं इसको। उस टाइम में भी लाइक दे यूज टू यूज सच कूल थिंग्स। और अपन आगे आते हैं, ये देखते हैं ये बोल्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट हैं बोल्स। ये एक चीज़ है जगह रखने की, आप इसमें कुछ रख सकते हैं, पीट अपन क्या बोलते हैं सब कबर्ड बोलते हैं जो। और यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज दिस, घंटी एंड ऑल समथिंग। और ये गाइज दिस इज समथिंग विच आई एक्चुअली डोंट लाइक, बट दिस इज मेड फ्रॉम आइवरी, दैट इज़ फ्रॉम द एलिफेंट्स टस्क। पता नहीं कितने एलिफेंट्स मरे होंगे ये बनाने के लिए, तो लोग थे इस चीज़ के भी शौकीन। आई एम नॉट सो फॉन्ड ऑफ ऑल दिस स्टफ बिकॉज इट एक्चुअली मीन्स किलिंग एन एलिफेंट, विच आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट। और ये लड़कियों के लिए बहुत सही जगह है, लाइक लड़कियाँ इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगी यहाँ स्पेशली जो रहती हैं, तो ये अच्छी जगह है, लाइक कूल जगह है।